गौरांग साहब इस बीच मेरे साथ कनेक्टेड हुए हैं, एक बार मैं जरा उनका भी स्वागत करता हूं। गौरांग सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर, शुक्रवार को जो प्रॉब्लम हुई वो आरबीआई के फैसले के साथ बैंक निफ्टी ने पूरा मूड और माहौल ख़राब कर दिया, बाकायदा वो टेक्निकल लेवल्स के नीचे भी बंद हुआ। गौरांग सर, आपको लगता है कि सेकेंड डे भी ये कंटिन्यू हो सकता है, थर्ड डे भी कंटिन्यू हो सकता है? क्योंकि स्टेटमेंट्स तो कंपनीज दे रही हैं, वो ये कह रही है कि हमें कंप्लायंस को, नियमों को पालन करना और इमीडिएट इफेक्ट से है, तो कुछ चीज़ें उन्होंने बंद भी की है, जैसे बजाज ने ईएमआई कार्ड बंद कर दिया, एसबीआई कार्ड कहता है कि हमारे को 4% एडिक्वेसी रेशियो का फ़र्क आएगा। तो आप इस पूरे मैटर को कैसे देखते हो सर? बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो पहले तो ये जो 100% से बढ़ा करके 125% किया था, ये मेरे ख्याल से 2019 में भी जो रिक्वायरमेंट थी उसको बढ़ाया गया था, और उसका कारण ये था कि कोई किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए, क्रेडिट रिस्क को ध्यान में रखे, और जो ऋण आप लोगों को दे रहे हैं वो वापस आपको आए ब्याज के साथ निरंतर समय अनुसार, इसके लिए किया गया था। इसके पश्चात आरबीआई ने इस मुद्दे को लेकर के आह्वान दे दिया था बैंक और एनबीएफसी को कि आप जिस प्रकार से अनसिक्योर्ड लोन्स का एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके कारण हम सख्त कदम उठाएंगे। और नियम अनुसार इन्होंने, एनबीएफसी ने वगैरह ने जो पालन करना था नियमों का वो नहीं किया, और अब हालात ये है कि आपको 100% से बढ़ा करके 125% रिस्क जो है वो बढ़ा दिया है। इसके पश्चात हमने शुक्रवार शाम को, शनिवार को और रविवार को अलग अलग मैनेजमेंट के तरफ से टिप्पणियां भी सुनी। हमारी तो राय ये है कि वित्तीय क्षेत्र में, बैंक्स में और एनबीएफसी में मजबूत में आपको ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, और अगर दुर्भाग्यवश अभी भी, अगर आज भी या कल भी गिरावट आती है तो पहले तो डिस्क्लोजर, आप जिस नाम का जिक्र दे रहे थे और जो दिख रहा है स्क्रीन पर बजाज फाइनेंस, वहां पर खरीदारी की राय है 8,800 का लक्ष्य लंबी अवधि के लिए, और मुझे नहीं लग रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के ज्यादा परिस्थिति आंकड़ों में खराब होती हुई आपको नजर आएगी। गौरांग सर, हम एलएनटी पर आपसे व्यू चाहेंगे, क्योंकि महीने भर पहले जिस लेवल पर एलएनटी था फिर से उस लेवल पर आ गया है, 3100 का भाव था उसको फिर से रीगेन कर लिया है, और कई बार बाजार में जो लोग करेक्शन का वेट करते हैं कि अच्छे शेयर में करेक्शन मिल जाए, वो करेक्शन बखूबी दिया है एलएनटी ने, 3100 के भाव फिर से हैं। इस लेवल पर आप सर क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए एलएनटी की स्टोरी को लेकर, एलएनटी की ऑर्डर बुक को लेकर किसी को संदेह नहीं है, और जो कैपेक्स वाली जो थियरी चल रही है इलेक्शन वाले ईयर में वो अपनी आप इंटैक्ट है, आपकी तरफ से क्या सलाह होगी निवेशकों के लिए? गौरांग सर, सर अनम्यूट कीजिए फिर सुन पाएंगे आपको हम। क्षमा चाहता हूँ अभिषेक, जी धन्यवाद, आप भी सुप्रभात हमारे तरफ से। तो एक अरसा हो गया है कवरेज रखते रखते एलएनटी पर, और सबसे सकारात्मक बात अभिषेक इस कंपनी की, एलएनटी की, यह है कि ये निरंतर लंबी अवधि के लिए जो भी निवेशक हैं उनकी पूंजी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वृद्धि करते हैं। नतीजों को, आंकड़ों को लेकर के तिमाही दर तिमाही आकलन मैं ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि एलएनटी जैसी दिग्गज कंपनी जो कि भिन्न विभिन्न कारोबार में है, उसको तिमाही दर तिमाही आकलन करना मेरे ख्याल से सही मापदंड नहीं होगा। इसलिए आप छमाही या फिर सार दर सार, क्योंकि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग और खास करके एलएनटी की जो ऑर्डर बुक है उसको एग्जीक्यूट करते करते समय लगता है, तो आप अगर एक तिमाही में ही निर्णय बदल देंगे आपका निवेश करना या नहीं करना, तो ये नासमझी की बात होगी मेरे हिसाब से। दूसरी बात, सबसे ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है, निरंतर आपको बोनस देती है, एक्स बोनस होने के बाद शेयर के दाम कुछ समय बाद फिर से कम बोनस पे आ जाते हैं, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वृद्धि होती है। फिलहाल जो नतीजे हमने देखे हैं अभिषेक, उसको देखने के पश्चात जो लक्ष्यांक है उसको ऊपर की तरफ बढ़ाया है, और एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य आपके सामने रख रहा हूं 3,400 का, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लक्ष्य आने वाले समय में आंकड़ों के आधार पर और भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। एलएनटी को लेकर कोई शक नहीं है, मजबूत कंपनी है, और
बहुत छोटे छोटे टाइम फ्रेम में इसको रिव्यू करना भी ठीक नहीं, और ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है। आप साल भर 6 महीने आराम से एक बार देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडियन होटल्स पर एक रिपोर्ट आई है UBS की, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने लक्ष्य उसका बढ़ाया है, 410 रुपये से बढ़ाकर कर दिया है 500 रुपये, और खरीदारी किराया कायम रखी, और ये बताया है कि FY25 से लेकर FY26 के जो प्रॉफिट होगी उसमें 8 से 11% की बढ़ोतरी का अनुमान है। मतलब ये जो शेयर है एक तरह से मल्टी वैगर साबित हुआ है कोविड के बाद, जब पूरी इंडस्ट्री को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, और उसके बाद क्या कमाल की तेजी, 400 रुपये के ऊपर के भाव इंडियन होटल्स में हम देख रहे हैं। इस पर भी व्यू आप ही दीजिए गौरांग सर। इंडियन होटल्स 500 के लक्ष्य तो आ गए इंडियन होटल्स पर UBS की तरफ से, आपका कितना कन्विक्शन है? बहुत मजबूत कन्विक्शन है अभिषेक, और हमारा मानना ये है, और आप कल का ही उदाहरण देख लीजिए, होटल के दाम अहमदाबाद में किस प्रकार की ऊंचाई पर थे। हवाई जहाज की फ्लाइटों के टिकट को तो बात अलग है, लेकिन एक मैं आपको थोड़ी बहुत गहराई में बात करना चाहूंगा। पहले तो ये कोविड के पश्चात जो सुधार हुआ है वो बहुत ही सकारात्मक है। कोविड के पहले और कोविड के समय पर और आज के तारीख में जो होटल के दाम है रूम्स के, जिसे हम टैरिफ्स कहते हैं, उसमें 15% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है ऑन एन एवरेज। ये बढ़ोतरी आने वाले 2 सालों में या 3 सालों में और यहां से ऊपर जा सकती है 10-15%। नए होटल्स आने वाले 2 साल में या 3 साल में इंडियन होटल्स खुलने वाली हैं, जिससे कमरों की और संख्या बढ़ जाएगी। फूड एंड बेवरेजेस बैंक्वेट से जो आमदनी आती है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी त्योहारों का सीजन है, फिर शादियों का माहौल होगा, और जो प्रवास है वो केवल मात्र लोग छुट्टियों के आनंद उठाने के लिए नहीं, लेकिन ऑफिशियली कामकाज को लेकर के भी जो प्रवास है वो बढ़ रहा है, यानी कि आपके रूम्स की जो ऑक्यूपेंसी रन रेट है वो भी ऊपर जाएगी। इंडियन होटल्स पर भी हमारी खरीदारी की राह है, और इस क्षेत्र में मेरे ख्याल से अभिषेक बहुत सारी मजबूत और सक्षम कंपनियां हैं। पेटीएम पर भी एक व्यू लेते हैं गौरांग से, और आप बुफा की एक रिपोर्ट जो आई है उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है, और कहीं ना कहीं आप देखें जितने भी इंटरेस्ट रेट कट सिनेरियो आगे चल के अगर आता है तो जितने भी इंटरनेट स्टॉक्स हैं, फिनटेक स्टॉक्स हैं, इनमें एक मूव आएगी, और हम देख भी रहे हैं स्टॉक्स चले भी हैं। बुफा ने जो थोड़ी सी लोन ग्रोथ स्लो डाउन है उसका भी एक साइट किया है इस रिपोर्ट में, लेकिन कहा है कि ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो लिमिटेड है। आप पेटीएम पर क्या व्यू बना रहे हैं? तो पहले तो जब IPO आया था तब बहुत सारी आवाजें सुनने मिली थी और काफी कुछ ऊपर के तरफ के दाम भी देखे, और बाद में तीव्र गति से करेक्शन भी आया। मैनेजमेंट ने कोशिश करी अलग अलग घोषणाओं के आधार पर कि कुछ संभले भाव, लेकिन शेयर बाजार अपने आप में कायम होता है। ये जो करेक्शन आया प्रियंका, उसके पश्चात हमने खरीदारी की राय दी थी, और ये तब खरीदारी की राय थी जब भी मेरे ख्याल से 600 के नीचे फिसला था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो, और 600 और 500 के बीच में शायद, और तब खरीदारी की राय दी थी। अगर आपका पुराना निवेश है पेटीएम में तो आप बने रह सकते हैं। चलो के लिए तो ऑफ कोर्स दोनों तरह के लेवल देखे हैं, जो ऊपर से नीचे स्लाइड भी हुए हैं, और जो जिन्होंने शायद 600 या 700 800 के आसपास ऐड भी किया है, लेकिन आपके टारगेट्स क्या होंगे और अंक इस स्टॉक में? टारगेट्स करीब 1000 के आसपास है, इसलिए मैंने कहा प्रियंका कि अगर आपका पुराना निचले स्तर पर निवेश है तो आप बने रह सकते हैं। 1040 या 1050 के आसपास का लक्ष्य है, मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से करीबन 890 के आसपास। समझदारी इसी में है कि अगर आपने 600 के नीचे या फिर 700 के आसपास या 500 550 के आसपास अगर खरीदारी की है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं। और पिछले मेरे ख्याल से आप साल भर की तुलना करें तो मेरे ख्याल से कम उमन 2 गुना हो चुका है स्टॉक, इसलिए राय ये होगी कि निचले स्तर पर निवेश है तो बने रहे, और अगर नया निवेश करना है तो थोड़ी गिरावट का इंतजार कीजिए। हालांकि आप तो फंडामेंटल राय देंगे, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये रेलवे
और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक चले हैं, अब तो बात ये भी हो रही है कि वंदे भारत अगले साल और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आएंगे, लेकिन एक मैंने फिगर कहीं पड़ी 500 वंदे भारत तक आएंगे। तो जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर थीम से जुड़े हुए जितने भी वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन है, यहाँ पर अब भी अच्छा मोमेंटम है। कोई आपकी यहाँ की फेवरेट पिक होगी आपकी इस पे? अनम्यूट योरसेल्फ गौरांग। क्षमा चाहता हूँ प्रियंका। तो आपने सही पढ़ा था और मैंने भी पढ़ा हुआ था कि करीबन 400 से 500 वंदे भारत ट्रेन पूरे भारतवर्ष में चलेगी और इसका लाभ स्वाभाविक है। जो भी भारतीय रेल से जुड़ी हुई सरकारी कंपनियां हैं या फिर निजी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां भारतीय रेल के साथ, उनको मिलेगा एक। और मैं ये भी मानता हूं कि जो भी कंपनियां हैं भारतीय रेल से जुड़ी हुई और जो कामकाज कर रही, चाहे वो निजी हो या फिर सरकारी, बहुत सक्षम और मजबूत है। और मेरा आकलन और अनुमान ये भी कहता है कि जो भी परिवर्तन और बदलाव भारतीय सरकार भारतीय रेल मंत्रालय के साथ मिलकर के जमीनी स्तर पर लागू कर रहे, उसका भी फायदा इन सब कंपनियों को मिलेगा। लेकिन एक कंपनी जिसकी मेरे ख्याल से चर्चा या फिर नाम बहुत कम लिया जाता है, वो है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी कंपनी जो कि भारतीय रेल के साथ मिलकर के बहुत बड़ा काम कर रही, वो है केसी इंटरनेशनल। इस कंपनी के ऊपर मेरे ख्याल से करीबन 350-400 के आसपास से खरीदारी की राय है, मौजूदा स्तर करीबन 580 के आसपास, 580 या 590 के आसपास। प्रियंका, ये कंपनी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की मझौली कंपनी है और इनके चार मुख्य स्तंभ है कारोबार के, और चारों ही कारोबार से बहुत ही शानदार योगदान इस कंपनी के ऊपर आता है। हाल ही में मेरे ख्याल से कुछ 2-3 महीने पहले इसने अपना सर्वोच्च स्तर बनाया था और वहां से नीचे आया है। और अक्सर हम ये कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के जो मझौली कंपनियां हैं, जो भविष्य में मझौली से दिग्गज कंपनी बन सकती है, वैसी कंपनियों पर हम ध्यान दें। तो केसी इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है जो भारतीय रेल के साथ भी जुड़ी हुई है और बाकी अन्य कारोबार भी है। ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि की राय है और लक्ष्य करीबन 680 से 700 का है हमारा। प्रताप स्नैक्स, आप देखिए बहुत आज बढ़िया तेजी है और 5.5% का एक ब्लॉक आज एक्सचेंज हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, ब्लॉक डील में ये ट्रांसफर हुई है। क्या सलाह होगी आपके प्रताप स्नैक्स को लेकर? क्या हम मान के चलें कि 1,000 रुपए वाले जो स्तर है उसकी तरफ ये शेयर अब जा रहा है और किसी को नई एंट्री करनी हो तो भी मौके हैं, क्योंकि अब शेयर है 13-14% ऊपर? अभिषेक, विशेष टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवरेज है, लेकिन इतनी बिल्कुल बात कर सकता हूं मैं क्षेत्र के आधार पर। ये जो क्विक स्नैक्स की जो श्रेणी या संख्या या फिर क्षेत्र है जहां पर प्रताप स्नैक्स, भिखाजी जैसे नाम उपस्थित है, तो एक चीज आप गौर करिएगा, आप चाहे बड़े शहर में हो, छोटे मझौले शहर में हो या फिर ग्रामीण भागों में आप मुसाफरी कर रहे हो, आप किसी भी नुक्कड़ पर छोटी से छोटी दुकान हो या फिर बड़ी से बड़ी दुकान हो किराना की, वहां जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में इनके पैकेट्स आपको बाहर लटकते हुए दिखाई देंगे। और ऑफरिंग्स जो प्रोडक्ट की है इनके पास, वो बेशुमार और लिस्ट बहुत बड़ी है। जाहिर है जिस प्रकार का जुबान पे चस्के का शौक रहता है हम हिंदुस्तानियों को, इनकी बिक्री होने में ज्यादा आपको गुंजाइश होती हुई नजर नहीं आएगी। और एक मात्र दिक्कत यह कि जितना ये मार्केट बड़ा है उतना ही बड़ा कंपटीशन है बाकी अन्य ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के साथ, तो ये एक थोड़ी बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन ये बहुत बड़ा नाम है इस क्षेत्र में और इनके पास प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छी है ऑफरिंग को लेकर के। जो खबरें आई थी अभी आप जो बता रहे थे उसको लेकर के मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस क्षेत्र में और मजबूत कंपनियों पर आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ये राय मैं स्पेसिफिक इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि कवरेज नहीं है, जैसे मैंने बताया। 70 रुपए के आसपास तमाम लोग बुलिश हुए थे, न सिर्फ टेक्निकल बल्कि फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी बुलिश हो रहे थे। 80 रुपए के आसपास के भाव ऑलमोस्ट इसमें अब आ गए हैं, 79 के आसपास खड़ा है अभी। आपके क्या व्यू इस पर? क्या यहां से भी आप तेजी देख रहे हैं या फिर जिन्होंने 70 के पास एंट्री की है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोच सकते हैं? गौरांग सर अनम्यूट कीजिए सर।
मुझे आदत नहीं है, क्षमा चाहता हूँ, ये अनम्यूट अनम्यूट की मुझे आदत नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जी जी नहीं सर ये इस पर हमने करीबन 40-45 से खरीदारी की राय दी थी, तो कम उमन 2 गुना हो चुका है। और इतना शानदार रिटर्न जब मिलता है तो मुनाफा समेटना भी एक कला होती है शेयर बाजार में, न कि सिर्फ निवेश करने की, क्योंकि आखिरकार आप निवेश करते हैं ताकि आपके निवेश के ऊपर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिले। लेकिन खरीदारी की राय अब भी है। दिक्कत एक ही है अभिषेक, पीएनबी की बैलेंस शीट को लेकर के जो नाम सामने आए थे कुछ समय पहले, बैड डेट्स को लेकर के, ग्रॉस नेट एनपीए को लेकर के, प्रोविजन को लेकर के, वो एक दिक्कत है पहली बात। दूसरी बात, नतीजों में सुधार हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये निरंतर होना चाहिए, 1, 2 या 3 तिमाही नहीं, 4 तिमाही में आपको निरंतर सुधार, जो कि मेरे ख्याल से फिलहाल एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जो नाम जुड़े हुए बैड डेट्स को लेकर के। हम ये भी डिस्क्लोजर देना चाहेंगे कि पीएनबी क्योंकि एक थोड़ा बहुत हाई बीटा वोलेटाइल स्टॉक है, नतीजों को लेकर के, खबरों को लेकर के, एनपीएस को लेकर के, तो हम स्पष्टीकरण ये देते हैं कि भाई जिसके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है वो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि क्योंकि जो स्तर से हमने राय दी थी निवेश करने की, 2 गुना हो चुका है, अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है और पुराना निवेश निचले स्तर पर है तो आप बने रह सकते हैं। ठीक है, पीएनबी को लेकर ये व्यू, लेकिन